मधुबनी जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुबनी में प्रेम प्रसंग में लड़की की नदी में कूदकर मौत मामले को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। पोस्टमार्टम के बाद गांव में सब पहुंचने पर ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हो हंगामा कर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने सबको थाना परिसर में सब रखकर थाने का घेराव किया और थाने के सामने मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया। मृतक के परिजनों की मांग है कि आरोपी युवक और उसके परिजन पर कार्रवाई में पुलिस लापरवाही बरत रही है। जाम हटाने के दौरान पुलिस को झड़प का भी सामना करना पड़ा, ऐसा जानकारी मिल रही है। हालांकि मामले में आरोपी युवक की मां की माने तो उन पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है और निराधार है। परिजनों की माने तो लड़का नाबालिग है और लड़का पर प्रेम प्रसंग का आरोप निराधार है। वही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वही इस मामले मधुबनी के एसपी सुशील कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। वही इस मामले मधुबनी के एसपी सुशील कुमार क्या कुछ कहते हैं और वहाँ के ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं, जरा भी सुनिए। विस्पी थाना क्षेत्र में नदी में एक महिला की डूब जाने से मृत्यु होने का खबर मिला है, जिसमें थाना वहाँ पर पहुँच करके और लगातार शव की बरामदगी के लिए कोशिश कर रही थी। एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाई गई थी। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा फाइनली आज जो है शव का रिकवरी कर ली गई है। इसमें कुछ पहलू आए हैं जिसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके हिसाब से हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। किस कारण से हुआ, किस परिस्थिति में महिला के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा स्वयं कूद करके सुसाइड किया गया है, लेकिन हम लोग हर बिंदु पर जांच करेंगे और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगा करेंगे। आप अभिजीत की कौन लगेंगे माँ? और क्या मामला था ये? वो जो बोल रही है सब खिलाफ बोल रही है, उसकी माँ फंसा रही है सब, जबकि वो हमको धमकी देती थी कि हम तुम्हारे घर पे बैठा करके जाएंगे हमेशा। हम बोले कि कैसे बैठाएगी, तो क्या बोल रही है कि तुम्हारी ये जो बेटा है तुम्हारा वो शादी किया है, तो हम बोले उसको प्रूफ दे, अगर किया है तो प्रूफ दे, इसके बाद हम बता रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, तो हम फिर देखेंगे प्रूफ तब ना कि जायज है या ना जायज है। तो वो नहीं दी। अब बाद में वो जबरदस्ती हमको 12-1 बजे रात को आती थी लड़ाई झगड़ा करने, मारपीट करने उसके घर वाले सब। जब उसकी लड़की गायब होती थी दिन भर रात भर, तो हमको बदनाम करते कि ये जो है ना से हमारी बेटी को छुपा करके बिगाड़ दी, ये की वो की। हमारे पास आपके आपके बेटे के साथ सही में प्रेम प्रसंग था उसका? कुछ भी झाट वाला वीडियो आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा, खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तब लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें।